प्रदर्शन है, किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हो? हम राजस्थान सरकार के खिलाफ और राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय के खिलाफ ये आंदोलन कर रहे हैं। राजस्थान सरकार को हम कहना चाहते हैं कि आप जो छात्रों के साथ जो अन्याय कर रहे हो, छात्र संघ चुनाव को बंद करके, छात्र कहीं ना कहीं एक युवा कॉलेज से आवाज उठाना चालू करता है और वो विधानसभा हो चाहे संसद हो वहां तक आवाज उठाता है, लेकिन आज उस आवाज को दबाने का काम राजस्थान सरकार कर रही है। हमने आज ये प्रदर्शन राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे किया है, लेकिन हमारी लड़ाई यहीं पे रुकने वाली नहीं है। विद्यार्थी परिषद ये लड़ाई अभी चालू किया है, इस लड़ाई को लंबी लड़ेंगे। अगर हमें विधानसभा का घेराव करना पड़ा तो हम विधानसभा का घेराव भी करेंगे। साथ ही साथ प्रेमचंद जी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी, जो हमारे शिक्षा मंत्री जी भी है, उनको भी मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि हमें अगर आपके आवास का घेराव करना पड़ा तो आवास का भी हम घेराव करेंगे, संसद का घेराव करना पड़ा विद्यार्थी परिषद को तो उसका भी हम घेराव करेंगे, और छात्र संघ चुनाव हम कराने के पक्ष में, और छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, यही हमारी मुख्य मांग है। अच्छा रोहित, ये बताओ कि जब विधानसभा चल रही थी तब आपने घेराव करने की सोच रहे थे, अब बंद हो गई, अब क्या घेराव करोगे? हम मुख्यमंत्री के आवास का भी घेराव करेंगे, अगर हमें जरूरत पड़ी तो प्रेमचंद जी के घर का भी आवास का घेराव करेंगे। विधानसभा युवाओं की आवाज उठाने की और जनता की आवाज उठाने का एक प्रेम स्थल है, तो हम वहां से चालू करेंगे, पहले विधानसभा का घेराव करेंगे, अगर वहां पे भी हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो मुख्यमंत्री के आवास का भी घेराव करेंगे और उप मुख्यमंत्री के आवास का भी घेराव करेंगे और संसद का भी घेराव करेंगे। आप लोगों की मांग कब तक का अल्टीमेटम है सरकार को और कब तक पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे आगे? राजस्थान सरकार ने जैसा अपना मैनिफेस्टो में जारी किया था कि छात्र संघ चुनाव हम कराएंगे अगर हमारी सरकार बनी, तो सरकार बन गई। युवाओं के साथ सरासर ये एक धोखा है कि 15 तारीख तक सरकार के कुछ नुमाइंदे कह रहे थे कि हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे, जैसा आपको ध्यान है कैलेंडर में भी इन्होंने वार्षिक कैलेंडर में भी उस शिक्षा में छात्र संघ चुनाव का जिक्र किया है, तो कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव को लेकर सरकार अपना वादा खिलाफ भी कर रही है। विद्यार्थी परिषद इस चीज को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। पूर्व के मुख्यमंत्री का इतिहास उठा के देख लेना कि यही विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार था जहां पर हमने मुख्यमंत्री को युवाओं के लिए और वीरांगनाओं के सम्मान के लिए काले झंडे दिखाए थे, तो भजन लाल जी से मैं ये चेतावनी समझे या अनुरोध समझे कि जल्दी से जल्दी इसे छात्र संघ चुनाव की तारीख घोषित करे, वरना भजन लाल जी भी इस रोड से लगातार आना जाना रहता है, अगर कहीं दुर्घटना हो तो उसके जिम्मेदार फिर भजन लाल जी स्वयं खुद होंगे, हमारी कोई गलती नहीं होगी।